अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप सब लोगों को एडवांस में चांद रात भी मुबारक। आप जब वीडियो ऑब्वियसली देख रहे होंगे तो उस वक्त पाकिस्तान में और हर जगह पे चांद रात होगी ईद की इंशाल्लाह, और हमारी भी ईद है। बट ईद है, लग नहीं रही है बट ईद है। तो खैर, बड़ी ईद है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब लोगों की ईद भी अच्छी गुजरे। हम भी कल काम पे आएंगे, परसों मैं शायद छुट्टी करूँगा इंशाल्लाह। बट ये है कि छुट्टी करके भी क्या करना है। बट मैं सोच रहा था कि मैं काम पे आ जाऊँ, क्योंकि मैं छोटी ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा ना वो हुआ था। और ये शहरोज़ आ गया है, शहरोज़ और मैं एक साथ ट्रेन में जाएंगे। शहरोज़ मेरे सब्सक्राइबर को हाय करो। हाय शहरोज़, मुझे YouTube पे देखता हुआ आया था और एक दिन मैं सेलो में घूम रहा था तो शहरोज़ ने मुझे बोला, शहरोज़ तुम नज़र नहीं आ रहे हो यार लोग, अब आ रहे हो तुम नज़र। शहरोज़ ना पीछे से आया, कह लगा यार आप कदीर है ना YouTube पे बैठे। बोला हाँ। फिर उसके बाद से शहरोज़ और मैं दोस्त हो गए हम लोग, अब हम साथ ही काम करते हैं एक जगह पर। तो अभी हम दोनों घर जा रहे हैं। शहरोज़ का स्टॉप मेरे से एक स्टॉप आगे होता है। शहरोज़ लाहौर से और बेचारा यहाँ अकेला फंसा हुआ है, अपनी बेगम को छोड़ के आया हुआ। तो अब ये हमारी ट्रेन आ गई है और हम घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से थोड़ी देर में, मिलते हैं ना। अच्छा तो भाई हम आ गए हैं घर पे और आज वाकई तला ने बनाई है कढ़ाई, है ना? वाकई तला ने बनाई है ना आज। तला ने चिकन कढ़ाई बनाई है और हम कैसी बनाई है तुमने भाई कढ़ाई? कढ़ाई अच्छी है, अच्छी है। अपने मुंह में मिट्टू तो हम खा के बताएंगे ना कैसी है। तुम क्यों बोल रहे हो अच्छी है? मैंने पूछा, मैंने बोल दिया। बट मैं हैव वन नवा, तुम बताओ कैसी है। अच्छी है, अच्छी है, बहुत। चलो हम खाएंगे, अब खाना खाएंगे, खाना खा के इंशाल्लाह बात करेंगे, चाय पियेंगे। थकन हो गई है, एक्सीडेंट हो गया मेरा, ये देखें मेरा ना पैर सूज गया सारा, यहाँ से ये यहाँ से सूज गया मेरा पैर, एक्सीडेंट हो गया मेरा सुबह सुबह। तो अभी हम खाना खा के पट्टी बांधेंगे। चेक करें आप लोग, ये एक तो ये हवा नहीं रुक रही है, इतनी कोई ख़तरनाक हुई भी है ना, मतलब इंसान को परेशान ही कर दे इस हवा की वजह से ही सारा मौसम सर्द है। वरना तो गर्म है धूप की, धूप गर्मी है, बट ये हवा ने जो है ना अपना काम ख़राब किया हुआ सारा। इतनी तेज़ है कि बस कोफ्त आती है बाहर निकलना। चलो भाई आसिया वोल्ट पे जा रही है लोगों, तो आसिया का पैसे 100 यूरो से पहले नहीं आना है। मैं अभी जा रही हूँ, अभी 11:30 बज रहे हैं, सुबह आऊँगी 8 बजे। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग भाई? और चांद रात मुबारक हो सबको। आज सैटरडे है तो चांद रात है, जाहिर बात है कल ईद है। आप लोगों के सवालात हैं, सवालात के जवाब दे देते हैं। दोबारा से सर्दी सर्दी सी बढ़ रही है थोड़ी सी, तो मौसम ज़रा ना ऐसे ठंडक वाली हवाओं वाला हो रहा है। अल्लाह करे थोड़ी और गर्मी देखने को मिल जाए यार हमें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके सवालों के साथ। कोहला में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? आई एम कमिंग विद माई वाइफ एंड आई एम ए स्टूडेंट, कैन यू गिव मी टिप्स ब्रो फ्रॉम नेपाल। भाई कोहला में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी हैं जैसे पूरे फिनलैंड में ही हैं, ठीक है। अभी थोड़ी जॉब की शॉर्टेज है और लोगों को जो भी मिल जाए वो कर रहे हैं, चाहे वो डिलीवरीज हों, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट की जॉब हो, चाहे वो कोई सुपरमार्केट, कुछ भी हो। तो आपको भी जो मिल जाए यार भाई वो करें और कोशिश करें कि अपनी मतलब ज़रूर ये मतलब वो अपनी एक होती है कि स्टैंडर्ड को थोड़ा सा गिराएं कि यार मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, ये वाली सोच के साथ नहीं आना है, जो मिल जाए बस वही करना है। अच्छा जी, आपके जल्दी करवा देंगे 1 मिलियन इंशाल्लाह। भाई करवा दो यार, कैसे करवा दें? अदनान भाई ने कैसे कैसे सवाल, बस अदनान भाई आप लोगों की मोहब्बत।
अस्सलाम वालेकुम, प्लीज एडवाइस, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन 5th August एंड क्लासेस स्टार्ट ऑन 19th. माय प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टोल्ड मी टू रीच बाय सितंबर. अच्छा, ये वो है जिनका इन्होंने बताया था कि डी वीज़ा के लिए वेट करें और डी वीज़ा लगवा लें या आरपी के लिए वेट करें. तो आप, मैंने इनको बताया था डी वीज़ा लगवा लें आप अपनी, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है वो मतलब जब आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो उस वक्त तक आपका आरपी नहीं आ सकता, शायद इतनी जल्दी नहीं आएगा. तो कोशिश करें कि ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका काम ऐसे हो जाएगा डी वीज़ा के लिए. आप अपने, आपके पास वो भी है, कज़न का घर है, आप वहाँ पर रह भी सकते हैं. तो आप वहीं पर अपने कज़न के साथ रह के थोड़ा सा वेट करें और डी वीज़ा लगवा लें. भाई जान, आप क्या काम करते हो? मैं डिलीवरीज करता हूँ, फूड डिलीवरी. अच्छा जी, चवेरिया ने पूछा, लेट से आई एम मूविंग इन टू अ स्टूडेंट अपार्टमेंट ऑन 17th August. विल आई हैव टू पे फ्रॉम 1st August और आई कैन इन्फॉर्म स्टूडेंट हाउसिंग अबाउट माय मूव इन डेट? अच्छा, इसमें ये है कि आप की जब बुकिंग होगी ना, जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक कर रही हैं अपने लिए घर जुलाई में बैठ के, मतलब वो लिखा हुआ भी होगा कि वो अपार्टमेंट अवेलेबल कब से, ठीक है. अगर तो वो कह रहे हैं कि अपार्टमेंट अगस्त से ही अवेलेबल है, तो अगर आपने अगस्त के 10 तारीख से भी बुक करना है ना, तो आपको करना वो एक से ही पड़ेगा, पैसे आपने उसके भी देने पड़ेंगे. तो आपको मतलब पूरा अगस्त बुक करना पड़ेगा. तो ये ऐसा सीन होता है जिस, मतलब जिस दिन से आपको बुक करना है वो पैसे आपके काउंट होना शुरू हो जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको फिनलैंड के लिए फॉलो करता था, मेरा लूथ में एडमिशन हुआ था 7,500 यूरो पे, बट मैंने डिक्लाइन करके जर्मनी अप्लाई किया और 3 पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया. सबसे पहले तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी बात है यार. फीस वगैरह भी कम होगी प्राइवेट से, जाहिर बात है. और उसके अलावा आप जर्मनी में यार आपको लोग दिखेंगे, मैं सही सही बात बता रहा हूँ आपको, लोग दिखेंगे, बात करेंगे. यहाँ पे लोग आपसे ज़रा कम ही बात करते हैं, और इन लोगों को ख़ुद को भी पता है. आप कभी आएंगे और कभी किसी फिनिश बंदे को कहेंगे ना, यार आप लोग तो लोगों के साथ बात नहीं करता, वो पता क्या बोलते हैं वो, हाँ यार हम लोग, मतलब आपसे बात करते हुए वो खुद बोल देगा, खुद एडमिट करेगा कि हाँ हमारे लोगों का पता नहीं क्या मसला है, बात ही नहीं करते हैं, इतने रिजर्व रहते हैं और ये रहते हैं. उनको खुद भी पता है इस चीज़ के बारे में, तो वो करते हैं, अब क्या कर सकते हैं. बकरे का गोश्त तो ले लेना जावियार. सलाम भाई, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट विद यू एनी सोशल अकाउंट? मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम मेंशन हुआ होता है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई. और बस चांद रात मुबारक हो आप सब लोगों को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी सी ईद मनाएं. अल्लाह हाफिज़.